अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी के साथ मैं हूं अरुज फखर और मैं हूं साद अकरम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत और अपोजिशन चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक पेज पर ऐवान में 16 रुकनी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। सियासी जमातें इकट्ठी बैठें ना बैठें, अरकान को बैठना चाहिए। क्या हम मिसाफे पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने कहा, हुकूमत पर तनकीद ज़रूर करें, जातियात पर ना जाएं। सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स मौतल। इनकी बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है ना कोई इदारा। हुकूमत लड़ाई झगड़े में लगी रही तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आप भी वही करेंगे जो पीटीआई ने किया तो कल आप भी जेल में होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बिलावल भुट्टो के मौकिफ की तायीद। जलसे में रेड लाइन क्रॉस की गई। आसिफ ने कहा, वजीर आला ऐसी जबान इस्तेमाल करे तो गिरफ्तारियाँ होती हैं। पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट से नहीं उठाया गया। दादारा ने कहा, पोर्टिजेंस की सूरत में शवाहिद सामने आ चुके हैं। असेंबली फ्लोर से अरकान को उठाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, उठाने वालों को दरवाजों की चाबियां किसने दी? अली मोहम्मद खान का कहना था, पार्लियामान की बेहरमती का मामला मुंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम से मुतमिन नहीं। असद कैसर ने कहा, जुडिशल पैकेज में तरमीम के खिलाफ बर हद तक जाएंगे। स्पीकर ने गिरफ्तारियों की इजाज़त क्यों दी? उमर अयूब बोले, पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमाओं की रहदारी जमानत अक्टूबर पर। उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन, जरताज गुल की जमानत। और महंगी बिजली 1.74 रुपये पर यूनिट मजीद महंगी। वसूली सितंबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। नेप्रा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद आपको बताएं कि डीपीओ राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक पुलिस टीम थाना सदर फाजिलपुर ने कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम जानजई और लियाकत के कब्जे से 300 लीटर देसी शराब बरामद। मुलजमान को मुनजम हिकमत अमली की बदौलत रेड करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और चिश्तियां 2023 में पाकिस्तान की मर्दमशुमारी की गई, जिसमें महकमा एजुकेशन की जानिब से तमाम टीचर हजरात ने अपने फ़र्ज़ अंजाम देते हुए ड्यूटी अदा की गई थी, जिसके फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 में जो सबका बकाया जात के चेक असिस्टेंट कमिश्नर महज साजिद इकबाल ने एजुकेशन के टीचर्स को तकसीम किए। सजावल के नवाई शहर पुलिस पोस्ट वेलू की हदूद में पुलिस मुकाबला। वेलू रोड पर लोटिया सिम नाली के करीब जराइम के इदारे से खड़े 4 मुलजमान का पुलिस से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डकैत आशिक अली खड्डू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दीगर 3 मुलजमान फरार होने में कामयाब। जख्मी मुलजिम के कब्जे से 1 रिवॉल्वर बमा 2 गोलियां बरामद। सजावल पुलिस का कहना है कि जख्मी मुलजिम मुबैना जराइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुख्तलिफ थानों से मालूम किया जा रहा है। जख्मी मुलजिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार और मफरूर मुलजमान के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और 12 रबी अव्वल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर सरोश फातमा शेराजी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तौकीर मोहम्मद नईम के हमरा जलूस के रूट्स का मुआयना करने के लिए जौहर आबाद और खुशाब का दौरा किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेब, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी, DSP जुल्फकार, ज़िले अमन कमेटी के मेम्बरान ख्वाजा मोहम्मद यकूब, मौलाना दिलदार हुसैन रिजवी, सेनेटरी इंस्पेक्टर मलिक नियाज, फिरोज ऐवान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस रूट्स पर सफाई सुथराई के इंतजामात को चेक किया। उन्होंने इंतजामिया को हदायत जारी की कि जुलूस रूट्स के तमाम रास्तों को क्लियर किया जाए और सड़कों के घरों को फौरी तौर पर भरा जाए, ताकि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरते हुए किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कबल अजीज डिप्टी कमिश्नर और DPO हुशाम ने दरबार सखी सैयद मारूफ का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर हुशाम सरोज फातमा शिराजी और DPO हुशाम तौकीर मोहम्मद नईम ने सदर जमात अहले सुन्नत जिला हुशाम मौलाना दिलदार हुसैन रिजवी की आदत भी की। सीनियर गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 14 सर मुराद वाला में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनका
तकरीब में मारू समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल ने खसूसी शिरकत की। बॉयज हाई स्कूल चक नंबर 14 में पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ समाजी शख्सियत मसूद इकबाल राइस मिल्स वाले थे और सदर डिस्ट्रिक्ट बार फजल हुसैन वकला नूरुल हसन शाह समेत इस्तादा कराम और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। मेहमान खसूसी ने तलबा तलबात में नकद इनामात और शील तकसीम की। इस मौके पर तलबा तलबात का कहना है कि हमारी कामयाबी में वालदैन की दुआएं और असातिज़ा की मोहब्बत है। इस तरह की तकरीब में ना सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई होती है और बच्चों के आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। और आपको बताएं भवाना थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने मौजा बुरानी गाने वाला से लापता अबिद हुसैन का सुराग लगा लिया, लाश बरामद कर ली। SHO थाना मोहम्मद वाला सब इंस्पेक्टर अली इरफान ASI एजाज अहमद हमराही टीम ने मुलजिम मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद इकबाल ने 18 साल अबिद हुसैन को गला दबा कर कत्ल किया और लाश को घर में ही दफन कर दिया। मुलजिम मोहम्मद इकबाल ने 18 साल अबिद हुसैन को गला दबा कर कत्ल कर दिया और लाश को घर ही में दफन कर दिया। मुलजिम मोहम्मद इकबाल मकतूल का करीबी दोस्त है जिसको मकतूल की दीगर लोगों से दोस्ती का रंज था। मुलजिम की निशानदेही पर मकतूल आबिद हुसैन की लाश बरामद करके वर्सा के हवाले कर दी गई। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ की फराहमी की हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ठोस शवाहिद और मियारी तफ्तीश के साथ मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिविल अस्पताल पीर जगोट में सहूलियात का फुकदान, अमला मरीजों को रेफर करने में मसरूफ। कंगरी तहसील कंगरी की सबसे बड़ी अस्पताल पीर जगोट में सहूलियात का फुकदान। OPD में सिर्फ एक डॉक्टर मरीजों को देखने लगा, बाकी तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। तशवीशनाक मरीजों को खैरपुर सिविल अस्पताल रेफर किया जा रहा है। इस मौके पर दूर दूर से इलाज के लिए आए मरीजों ने शिकायत के ढेर लगा दिए। उनका कहना है कि सुबह 8 बजे से अस्पताल में दवा लेने के लिए आए हैं लेकिन 11 बजे तक अभी तक डॉक्टर साहिब फारिग नहीं हुए हैं। इस मौके पर अस्पताल में मौजूद मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर खैरपुर और महकमा सेहत के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तमाम डॉक्टर्स जो कि अस्पताल में तनख्वाह ले रहे हैं उनको ड्यूटी का पाबंद बनाया जाए ताकि दूर दूर से आए मरीजों को रिलीफ मिल सके। काना साहब थाना सदर सांगला हिल पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मंशियात फरोशी और नाजायज असलाह में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम खुरम से 2 किलो से जायद मंशियात और मुलजिम अदील से एक क्लाशन को बरामद। मुकदमा दर्ज, जिला को मंशियात की लानत से महफूज बनाना अवधीन तरजीह है। जराइम पेशा नासिर की सरकोबी का अमल बिलांतियाज जारी रहेगा। शेखुपुरा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात ने सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मजीद देखते हैं सज्जाद राणा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस मौका पर ADC जनरल मियां मोहम्मद जमील, CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर मुतलका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमराह मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर भर में सफाई सुथराई के अमल का तफसीली जायजा लेते हुए सफाई सुथराई में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुतल्लिका अहकाम को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में सफाई सुथराई का काम भरपूर तरीके से जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ने कहा कि शहरी व दही इलाकों में सफाई सुथराई और बारिश पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहरी व दही इलाकों की सफाई सुथराई, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों के लिए सड़कों, गलियों, मोहल्लों और दीगर अवामी मकाम की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए मिनटी का अमल जारी है। ब्यूरो चीफ सज्जाद राना, शेखुपुरा। और रहीम यार खान महकमा ज़रात ऑफिस में किसान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर किसान कार्ड की तकसीम के अमल का आगाज़ कर दिया गया। महमूद हसन चीमा साबिक MPA ने हमरा मोहम्मद यूसुफ रहमान डिप्टी डायरेक्टर ज़रात तोसी और मोहम्मद असकर शहबाज असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात तोसी ने रिबन काट कर किसान कार्ड तकसीम के आगाज़ का इफ्तिताह किया। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ इरशाद अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर महकमा ज़रात ऑफिस में किसान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर किसान कार्ड की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया।
इस मौके पर महमूदुल हसन चीमा साबिक MPA ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है अपने किसानों के लिए, 12 एकड़ से कम ज़मीन रखते हैं उनके लिए किसान कार्ड इशू किया जा रहा है। रहीमयार खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5,000 कार्ड की अप्रूवल हो चुकी है। मोहम्मद यूसुफ रहमान डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी ने गुफ्तगू करते हुए कहा यहाँ पर 2 डेस्क कायम किए गए हैं, एक डेस्क पर बैंक ऑफ पंजाब का अमला किसान कार्ड फराहम करेगा और दूसरे डेस्क पर महकमा ज़राअत का अमला मौजूद होगा। जो इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, ये तो बहुत सारे किसानों में फायदा होएगा। ये बिला सूद सानू कर्जे दे रहे हैं जिद नाल असी खाद बीज स्प्रे वगैरह असी इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि किसानों को हुकूमत पंजाब की मुख्तलिफ स्कीमों के मुतालिक रहनुमाई फराहम करेगा। मैं 2 एकड़ का जिम्मेदार हूँ और मुझे ये किसान कार्ड मिल गया और ये बहुत अच्छा इकदाम है मरियम नवाज शरीफ साहब का, और इसमें जो सहूलतें दी जाएंगी, ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, जरिए कर्जा दिया जा रहा है और बाकी जरिए आलात वगैरह हैं। और असगर शहबाज असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी ने कहा कि महकमा ज़राअत के डेस्क पर अमला तैनात कर दिया है जो कि आने वाले किसानों को रहनुमाई फराहम करेगा। 5 सितंबर से किसान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका आगाज कर दिया गया है और तकरीबन ज़िला रहीमयार खां में 40,000 किसान भाइयों को किसान कार्ड दिए जाएंगे। 30,000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से उनको बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद जमीर जाफर सीनियर ज़राअत ऑफिसर, शाहिद अली अब्दुल वहीद ज़राअत ऑफिसर और सईद अहमद सोलंगी सीनियर ज़राअत ऑफिसर और बैंक का अमला भी मौजूद था। सईद अहमद सोलंगी सीनियर ज़राअत ऑफिसर ने कहा कि महकमा ज़राअत का अमला हर गांव में पंजाब किसान कार्ड के हवाले से भरपूर आगाही फराहम कर रहा है। ये हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत का बहुत अच्छा इकदाम है, जैसे हम छोटे जिम्मेदारों को फोकस करके उनको कर्जा दे रहे हैं। ये कर्जा कैश की सूरत में नहीं दे रहे बल्कि उनको इनकी खाद और अद्वियात मिलेंगी। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। हिजरा शाह मुकीम में स्कूल के बच्चों से भरा रिक्शा नहर में गिर गया। स्कूल से घर जाने वाले 12 बच्चे खातून टीचर समेत नहर में गिर गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू और शहरियों ने बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया। रक्षे को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुबैना तौर पर 8 बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।